हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। गर्मियां अपनी पीक पे हैं और इस टाइम पे बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 महीने से छोटे बीबीज को हम गर्मियों में कैसे ध्यान से रखें ताकि उनका ये टाइम आराम से निकल जाए। गर्मियां छोटे बीबीज के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, इसलिए इन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ किया है एंड थैंकफुली एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं तो एक ब्रांड आप ज़रूर चेकआउट कीजिए अमेज़ॉन पे, जिसका नाम है प्लम बनी, जहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूबॉर्न एसेंशियल्स अच्छी क्वालिटी के और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएंगे। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गर्मियों में आपको बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइंस के ऊपर ध्यान देना है, यानी पानी की कमी बच्चे में हो जाए उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। अब डिहाइड्रेशन के साइंस क्या होते हैं कि अगर बच्चे की जो यूरिन है वो पूरे दिन में 6 से कम यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी हो रही है। 6 से ऊपर ही होना चाहिए। आई नो डाइपर में ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मियों में आप डाइपर फ्री टाइम दें ताकि आपको पता चल सके, नहीं तो डाइपर की भी हैवीनेस से आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चे ने कितनी यूरिन पास करी है। दूसरा डिहाइड्रेशन का साइन होता है लिप्स का ड्राई हो जाना। बच्चों के लिप्स काफ़ी ड्राई होते हैं, काफ़ी पेल दिखते हैं, उससे भी आपको पता चलेगा। बच्चे में एक जनरल इरिटेबिलिटी आ जाना, सब कुछ ठीक चल रहा है बट बच्चा बहुत इरिटेबल फील कर रहा है। बच्चे की स्किन फ्लशी लगना, मतलब एकदम लाल हुआ हुआ है बच्चा, उस तरीके से आपको दिख रहा है, ऐसा पहले नहीं दिखता था। या फिर बच्चे में बहुत ज़्यादा लिथार्जी होना, बच्चा बहुत ज़्यादा सोना प्रेफर कर रहा है, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है जैसे कि पहले था, ओवर सो रहा है, तो मतलब कुछ भी आपको अनयूजुअल गर्मी के पीरियड में दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि बच्चा ठीक नहीं है। बेस्ट होगा कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब बच्चे में पानी की कमी होने का मतलब ये नहीं है कि हम 6 महीने से छोटे बच्चे को पानी दे दें। आपको 6 महीने से छोटे बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क या अगर आप फॉर्मूला देते हैं तो वो देना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 80-90% पानी से ही बना होता है और फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि हम आधा पानी और बाकी का पाउडर डालते हैं, तो पानी की कमी वहाँ से बच्चे की पूरी हो जाती है। आप कर ये सकते हैं कि थोड़ा सा बच्चे की जो फीड है उसको बढ़ा दीजिए। बच्चे का कभी बीच में मन कर रहा है, 1-1.5 घंटा हो गया है फीड लिए हुए, बच्चे को फिर से फीड लेना है, तो उसको करने दीजिए, बिकॉज हो सकता है बच्चे को प्यास लग रही है, विच मीन्स उसे एक एक्स्ट्रा फीड की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर का एक्सपोजर इतने छोटे बच्चों के लिए आपको अवॉइड करना है, स्पेशली पीक आवर्स में, जो कि होते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को अराउंड 5:30-6 बजे तक, डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में रहते हो। आई नो कि हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, बच्चों को बाहर ले जाना बहुत जरूरी भी है, नेचर से भी उनको एक्सपोज करना है, हाउएवर हमें इसे टाइम बेटर करना होगा, चाहे इसके लिए हमें बच्चों का थोड़ा रूटीन चेंज करना पड़े। तो बेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग पे बच्चे को एक वॉक के लिए ले जाएं अराउंड 6:37 और शाम को ले जाना चाहें तो फिर आप 6 बजे के बाद लेके जाइए, बट थोड़ा उस टाइम पे मस्कीटोज का ध्यान रखिएगा। बट ये 2 टाइम आपको बच्चे को बाहर ले जाना ओके है, बीच में आप बच्चों को बाहर बिल्कुल मत ले जाइए। किसी रीजन से अगर आपको ले जाना पड़े तो मेक श्योर कि बच्चा प्रॉपरली क्लोदिंग पहने हुए है, यानी कि फुल स्लीव्स क्लोदिंग बच्चे ने पहना है जिससे कि उसको हीट एक्सपोजर ना हो, और लाइट कलर पहना है, प्रेफरेबली वाइट या बिल्कुल जो लाइट शेड्स होते हैं, कॉटन के कपड़े पहने हैं, फ्लोई कपड़े पहने हैं जो खुले डुले जिससे कि हवा पास होती रहती है। आपने बच्चे को एक सन हैट या सन कैप ज़रूर पहनाई है ताकि डायरेक्ट सन बच्चे के सिर पे नहीं लगे, और अच्छे से आपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाया है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप बाहर स्टेप आउट करोगे, बट मेक श्योर कि छोटी ड्यूरेशन के लिए करें एंड डायरेक्ट सनलाइट को आपको अवॉइड करना है। ये तो मैं आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोलूँगी कि जहाँ हम सर्दियों में बच्चों को धूप देते थे सुबह, गर्मियों में हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इस टाइम पे सन में यूवी रेज बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो डायरेक्ट धूप आपको मॉर्निंग में भी अवॉइड करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट टिप है बच्चे के कपड़ों से रिलेटेड कि समर्स में हम उन्हें क्या कपड़े पहनाएं। देखिए, आप समर्स में बच्चे को जितना हो सके उतना खुले खुले कपड़े पहनाइए, 100% कॉटन पहनाइए, एकदम लाइट कलर्स पहनाइए, वो समर्स के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। हमें कई बार ऐसे लगता है कि बच्चे को पसीना थोड़ी आ रहा है तो इसका मतलब गर्मी नहीं लग रही होगी, बट काफी बेबीज हैं जो स्वेट नहीं करते बिकॉज उनके स्वेट ग्लैंड्स अभी तक डेवलप नहीं हुए होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉडी से पानी लूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इट इज बेस्ट कि हम कोई रिस्क ना लें और बच्चे को इस तरीके के कपड़े पहनाएं। जब आप बच्चे को एसी में सुला रहे हैं उस टाइम पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप फुल स्लीव्स पहनाइए और पूरा बच्चे को कवर करिए, अगेन विद कॉटन क्लोदिंग एंड वेरी लाइट क्लोदिंग, जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। नेक्स्ट टिप है कि समर्स में हमें रैशेज अवॉइड करने हैं। तो 2 तरीके के रैशेज बहुत कॉमन है, एक है डायपर
हाइपर रैश होते हैं और दूसरा है हीट रैश होते हैं, जिससे कि बर्न हो जाती है स्किन या स्किन पे बॉयल्स निकल जाते हैं, एक्ने आ जाता है, बहुत कुछ ऐसा बच्चों में देखने को मिलता है समर्स के टाइम में। तो ये दोनों चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। डायपर रैश अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायपर फ्री टाइम दिया जाए जब बेबी उठा हुआ है, और अगर डायपर पहना रहे हैं तो मेक श्योर कि उसे टाइम टू टाइम चेंज करें। जैसे अगर पहले मैं 3 घंटे में डायपर चेंज करती थी, तो अब अराउंड 2 आवर्स में कर देती हूँ अगर मुझे लगता है कि डायपर भर रहा है तो ये थोड़ी सी बहुत चीज़ें आप चेंज करें। जब डायपर चेंज कर रहे हो तो अच्छे से बच्चे को पानी से वहाँ पे वॉश कीजिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाइप्स या फिर कॉटन पानी, अच्छे से पानी स्प्लैश कीजिए ताकि बच्चे को थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगे। ड्राई होने के बाद रैश क्रीम लगाइए और फिर डायपर आप पहना दीजिए। हीट रैश अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है कि बाहर का एक्सपोजर कम से कम हो, घर में भी जहाँ बच्चा है वहाँ पे कूल एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एंड कपड़े राइट होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे आप हीट रैशेस अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट टिप है रूम टेम्परेचर से रिलेटेड। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या गर्मियों में बेबीज़ को एसी में रखें, फ़ैन में रखें, कूलर में रखें, तो येस प्लीज़ बेबीज़ को एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखिए। अगर आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो आप 22 पे एसी यूज़ कीजिए, बिकॉज जब पीक समर होती है, स्पेशली जब दिन का टाइम होता है, तो वो 22 पे भी एसी वैसे नहीं चलता जैसे रात को चल रहा है जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो आप प्लीज़ बेबीज़ को 22 टेम्परेचर पे बिल्कुल रख सकते हैं। आप साथ में अगर आपका रूम बड़ा है तो फ़ैन भी चला सकते हैं, 2 पे आप फ़ैन चला सकते हैं, आप कूलर यूज़ कर सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ ये देना है कि डायरेक्ट जो हवा है एसी या कूलर की, वो बेबी के ऊपर नहीं जानी चाहिए। दूसरा तरीका होता है कि बेबी की नेक के पीछे आप टच करके देख सकते हो कि अगर ये एरिया ठंडा पड़ा हुआ है मतलब बेबी कोल्ड फील कर रहा है, अगर ये एरिया ठंडा नहीं है तो इसका मतलब आपका बेबी बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहा है। वैसे भी रूल ये होता है कि बेबी को आपसे एक लेयर ऊपर चाहिए होती है, तो अकॉर्डिंगली प्लीज़ बच्चों को एक कूल एनवायरनमेंट दीजिए। आप देखेंगे कि वो ज़्यादा बेटर सोएंगे और कम इरिटेबल होंगे। नेक्स्ट टिप है मसाज एंड बाथ से रिलेटेड। तो गर्मियों में बिल्कुल आप मसाज दे सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या ऑयल से मसाज दें, तो येस आप कोकोनट ऑयल से आराम से मसाज दे सकते हो। कोकोनट ऑयल में ठंडी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दिन में आप एक बार मसाज ज़रूर दो, दो बार देना चाहो तो 2 बार भी दो, बट द रूल इज़ दैट मसाज ऑयल बॉडी पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अगर ऑयल बॉडी पे रहेगा तो वो पोर्स को ब्लॉक कर देगा, विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आपको ऑयल निकालना है। आप ये भी कर सकते हो कि दिन में मॉर्निंग में आप मसाज बाथ दे दो और रात को आप सिर्फ एक हल्के पानी की बच्चे को बाथ दे दो ताकि वो फ्रेश फील करे, एंड आप देखोगे वो कितना अच्छा सोएंगे। सो दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-2 बार बाथ दो, मसाज ज़रूर करो, रूटीन ब्रेक नहीं करो, बिकॉज गर्मियों में इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ तक रही पानी की बात, तो आपको बेबीज़ को ठंडे पानी से नहीं नहलाना है, आपको उन्हें अभी भी गुनगुने पानी से नहलाना है। ऑब्वियसली उतना गुनगुना नहीं जितना विंटर में यूज़ कर रहे थे, बट समथिंग बिटवीन गुनगुना एंड ठंडा जो बहुत लाइट टेम्परेचर होता है, उससे आप बेबी को नहलाइए। एंड नहलाते हुए बहुत ज़रूरी है कि सारे फोल्ड्स को क्लीन किया जाए। तो बेसिकली जो गर्दन होती है, आर्म्स के नीचे की जगह होती है, नीज़ के पीछे की जगह होती है, डायपर एरिया होता है, इन सबको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डर्ट अक्यूमुलेट होती है जिससे बेबी की स्किन पे रैशेस होने के चांसेस होते हैं। अगला टिप है बेबी की आउटिंग से रिलेटेड। तो इस टाइम पे कोशिश कीजिए कि बेबी को आप स्लिंग्स या कैरियर्स में ना रखें। अगर आप स्लिंग में रख भी रहे हो तो वो प्रॉपर कॉटन का स्लिंग या कैरियर होना चाहिए, बिकॉज अगर आप दूसरे कैरियर्स में बच्चों को रखोगे तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा स्वेट होगा और रैशेज़ होने के इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं। बेस्ट होगा कि इस टाइम पर आप बच्चों को खुले खुले प्रैम्स में ले जाओ और वहाँ पे उनको वॉक दो, गोदी में भी कम से कम रखो, बिकॉज आप नोटिस करोगे कि आपकी बाजू पे पसीना आता है जो अगेन बच्चे को लगता है, एंड अगेन बच्चे को रैशेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट टिप है टैल्कम पाउडर से रिलेटेड। तो गर्मियाँ आते ही टैल्कम पाउडर्स निकल आते हैं, हमें लगता है कि बस पाउडर लगाएंगे तो बच्चा ठंडा ठंडा फील करेगा, बट गाइज मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूँ टैल्कम पाउडर के। मैंने कबीर के टाइम पे भी यूज़ नहीं किया था और मैं नूर के टाइम पे भी नहीं कर रही हूँ, और उसका रीज़न क्या है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो है जो आप जाके ज़रूर देखिए। मुझे नहीं लगता कि एक टैल्कम पाउडर यूज़ करना गर्मी में बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम बच्चों को ठंडा फील करा सकते हैं। बहुत और तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और वो ज़्यादा सेफ तरीके हैं। नेक्स्ट टिप है कि बेबी के सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स को रिविजिट कीजिए। जो आप विंटर्स में यूज़ कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं है कि समर्स में भी यूज़ हो सके। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इस टाइम पर ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। आप देखेंगे बच्चे को ये लगाने से ज़्यादा पसीना आ रहा है या बॉडी में आपको चिपचिप फील हो रहा है, ग्रीसी फील हो रहा है, बेबी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। दैट मीन्स दैट
इस टाइम पे उस प्रोडक्ट को चेंज कर दीजिए। एंड लास्ट इज माय फेवरेट पॉइंट, दैट इज मस्कीटो प्रोटेक्शन। गर्मियां मतलब मस्कीटोज, मस्कीटोज मतलब मेजर डिसीजेज जिसे हमें बच्चों को बचाना है। बहुत कम तरीके होते हैं जिससे हम इतने छोटे बेबीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट हमें प्रोटेक्ट तो करना है। तो मेक श्योर आप अपना घर, अपने सराउंडिंग्स, हर जगह को चेक कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके घर में मस्कीटोज की एंट्री ही कम से कम हो, ताकि आपको रेपेलेंट्स वगैरह ना यूज करने पड़े। अगर आपको करने पड़े तो क्या सेफ है क्या नहीं, उस पर एक वीडियो है, वो आप जाके जरूर देखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे एंड आई डेफिनेटली कैन टेल यू कि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बेबीज की समर्स बहुत अच्छी निकलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय। नहीं वर्क कर रहा होता क्या हुआ, क्या करेगा वो? नो कबू जाना, जल्दी जाना, खत्म होने वाला है मम्मा का। Go. Yeah. Go.